हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे न्यूबॉर्न बेबी की कैप की कटिंग। ये देखिए, हमने इस प्रकार से कपड़ा रखना है। पहले इसकी हमने जो लेंथ है 11 इंच और जो इसकी चौड़ाई है 12 इंच रखनी है। ऊपर से भी 12 इंच ही लेंगे हम। अभी हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल कर लेना है। अभी हमने यहाँ से इस तरह से गोलाई देनी है इसकी। इस तरह से हम दूसरा कपड़ा लेंगे। अभी हम इसको रखकर इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे, सेम इसी के नाप का। ये आप कोई भी बचे हुए कपड़े से घर पर बना सकते हो इस तरह की कैप। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अभी हमने इसके सेंटर में एक कट लगा देना है। एक कट इसलिए लगाना है ताकि जब हम प्लेट्स डालेंगे इसमें तो उस टाइम हमें कोई मुश्किल ना आए। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है इसके चारों ओर। सिलाई लगने के बाद मैं पट्टी की कटिंग दिखा रही हूँ किस तरह से करनी है अपने पट्टी की कटिंग। ढाई इंच इसकी हमने चौड़ाई रखनी है और 12 इंच इसकी हमने लंबाई रखनी है। इस पट्टी के भी एक सेंटर में कट लग जाएगा। अभी आपने क्या करना है, जैसे ये कट लगाया हमने, पहले आपने इसके चारों ओर सिलाई लगानी है। अभी इस सेंटर को इस तरह से जहाँ से हमने प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है, जैसे कि यहाँ से हमने इसको रखकर प्लेट्स डालनी है यहाँ पर। लेकिन जो जो कट डाला है हमने वो दोनों सेम इसी तरह सेंटर में आना चाहिए, तभी हमने सेंटर में कट लगाया है ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ तक हमने प्लेट्स डालनी है। वन साइड हम इसकी ओपन रखेंगे, बाकी की जहाँ तक हम इसके प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हम न्यूबॉर्न जो बेबी है उसकी कैप की कटिंग करते हैं।